Start with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. I'm your English teacher, Ms. Samreen. Today I will teach you English for class 2. As you know, this is our lesson number 2, which we start in the previous lecture. And this is our lecture number 9. So students, open your books at page number 13. Very good. Open your books. So this is our page number 13. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स पेज नंबर 12, जिसमें हमारे पास था कि नाउन जो है वो क्या है, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने पढ़े थे और ये हम लोगों ने बुक के अंदर फिल किए थे. तो अब हम खोलेंगे अपना पेज नंबर 13. अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ दिस? दिस इज सिंगुलर एंड प्लूरल. एस आई एन जी यू एल ए आर सिंगुलर एंड प्लूरल. पी एल यू आर ए एल प्लूरल. अब हमारे पास सिंगुलर जो है, सिंगुलर वो कहते हैं एक को, जैसा कि ये एक पेंसिल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं. सही है, ये क्या है? ये एक पेंसिल है. यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्लूरल. प्लूरल हमारे पास कहते हैं, जैसे कि अब ये देखिए आप लोग, और इसके साथ मैं रख देती हूँ ये दूसरा पेंसिल. तो ये हमारे पास हो गए पेंसिल्स. हम ये नहीं कहेंगे कि पेंसिल, ये हो गए पेंसिल्स. तो सिंगुलर जब होगा तो वो हमारे पास होगा ये एक पेंसिल, ओके. और जब हमारे पास ये प्लूरल होगा तो हमारे पास ये होंगे ये दो पेंसिल्स, ओके स्टूडेंट्स. दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि इसके साथ मैं ये पेन रख देती हूँ तो ये हमारे पास हम क्या कहेंगे? पेंसिल्स, मतलब ज़्यादा हो गए. लेकिन जब हम कहेंगे पेंसिल तो वो क्या होगा? एक होगा. अब यहाँ पर हमारे पास है सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स. सही है स्टूडेंट्स. तो नाउन्स किसे कहते हैं? जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं. यहाँ पर आप लोग फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो, मैं आप लोगों को रीड कर देती हूँ. सी आर ए वाई ओ एन क्रियॉन. यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके साथ एस नहीं है. और यहाँ पर इस पिक्चर में देखें तो ये क्रियॉन जो है ये एक क्रियॉन है. सही है, जिससे आप लोग कलरिंग करते हो. ये हमारे पास क्या है? ये एक क्रियॉन है. इसके दूसरे साइड पर आप लोग देखें, ये देखें सी आर ए वाई ओ एन एस. अब ये देखें स्टूडेंट्स, क्रियॉन्स लास्ट में देखें क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है? एस लगा हुआ है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये देखें यहाँ पर एस नहीं है. ये देखें यहाँ पर लास्ट में एस है. और ये क्रियॉन्स जो है ये बहुत ज़्यादा है, जबकि ये एक है हमारे पास. तो ये हो गया क्रियॉन, ये हो गए क्रियॉन्स. सही है स्टूडेंट्स. तो ये हमारे पास हो गए सिंगुलर नाउन और ये हो गया प्लूरल नाउन. तो हमारे पास जितने भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो ज़्यादातर प्लूरल जो होते हैं वो हमारे पास एस से एंड होते हैं, मतलब उनका एंडिंग जो होता है वो एस या ई एस से होता है ज़्यादातर का, ओके. चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. F L O W E R फ्लावर. फ्लावर किसे कहते हैं? फ्लावर कहते हैं फूल को. ये देखें पिक्चर में कितने फूल हैं? एक फूल है. वेरी गुड. नेक्स्ट पिक्चर में देखें F L O W E R S फ्लावर्स. ये फ्लावर्स देखें कितने ज़्यादा है स्टूडेंट्स. यहाँ पर देखें एक फ्लावर, मतलब एक फूल है. यहाँ पर देखें बहुत सारे फूल हैं, तो फ्लावर एंड फ्लावर्स. ये देखें इस वर्ड का एंड किस पे हुआ है? एस पर. एस पे ख़त्म हो गया, ये भी एस पे ख़त्म हो गया. तो ये है प्लूरल नाउन. और ये भी एस पर ख़त्म हो गया, जबकि इसके साथ और इसके साथ एस
नहीं है. वेरी गुड. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. एफ ओ एक्स फॉक्स. फॉक्स. फॉक्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? शाबाश. पिक्चर की तरफ देखें. फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को. तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर में कितनी लोमड़ियाँ हैं? एक लोमड़ी है, एक फॉक्स है हमारे पास. तो ये हो गया सिंगुलर नाउन. अब यहाँ पर देखें. एफ ओ एक्स ई एस फॉक्सेस. एफ ओ एक्स ई एस फॉक्सेस. अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बताती चलूँ, ये वर्ड एस पे ख़त्म हुआ है, ये भी एस पे ख़त्म हुआ है. जबकि ये वर्ड किस चीज़ पे ख़त्म हुआ है? ये हमारे पास ख़त्म हुआ है इन दो पे, ई एस पर. देखें ई एस, इसके साथ क्या लगा हुआ है? एस. इसके साथ हमारे पास ये, यहाँ पर देखें आप लोग, एफ ओ एक्स. ये है एफ ओ एक्स ई एस. जिस तरह मैंने कहा कि ज़्यादातर प्लूरल नाउन जो होते हैं उनका एंडिंग जो होता है वो एस या ई एस से होता है, तो ये हमारे पास है ई एस से. और पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है एक फॉक्स, यहाँ पर कितने हैं? वन टू थ्री. थ्री फॉक्स हैं. तो हम नहीं कहेंगे कि थ्री फॉक्स, हम कहेंगे थ्री फॉक्सेस. ओके, क्लियर. कम टू द नेक्स्ट. लुक एट हियर. बी यू एस बस. स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस? बस. वेरी गुड. ये बस है. यहाँ पर पिक्चर में आप लोग देखें कितने बस हैं? एक. यहाँ पर हमारे पास एक बस दिया गया है. यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, बी यू एस ई एस बसेस. बसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा. यहाँ पर हमारे पास देखिए एक बस है. पिक्चर में देखें वन टू थ्री. तो हम ये नहीं कहेंगे कि थ्री बस, थ्री बसेस. अब यहाँ पर देखें इन वर्ड का एंड जो है वो किस चीज़ से हुआ है स्टूडेंट्स? ई एस से. जिस तरह फॉक्सेस का एंड जो था वो किस चीज़ से हुआ था? ई एक्स से. जबकि ऊपर जो दो वर्ड्स थे क्रियॉन्स एंड फ्लावर्स, उनका एंड हुआ था एस से. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं फिर आप लोग को बताती चलूँ, सिंगुलर नाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा एंड प्लूरल नाउन के बारे में, कि कौन सी चीज़ें हमारे पास जब सिंगुलर होगी तो कैसी होगी, प्लूरल होगी तो उसमें कौन से अल्फ़ाबेट का ज़्यादा हो, मतलब कौन से अल्फ़ाबेट होंगे उनका इजाफा हो जाएगा. यहाँ पर पहला था क्रियॉन. यहाँ पर आप लोग देख सकते इसमें सिर्फ एक वर्ड का इजाफा हुआ है एस का. फ्लावर एंड फ्लावर्स, कौन से वर्ड का इजाफा हो गया? एस का. फिर है फॉक्स, फॉक्सेस, दो वर्ड का इजाफा हुआ है, दो वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड हो गए ई एस फॉक्सेस. बस, बसेस. यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हो, या मैंने जिससे इससे पहले कह दिया आप लोगों को कि हमारे पास ज़्यादातर जो प्लूरल होते हैं उनका एंड जो होता है वो एस या ई एस से होता है. समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग? स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, विच इज पेज नंबर 14. लुक एट हियर. दिस इज और पेज नंबर 14. नाउ दिस इज और एक्सरसाइज. आप लोगों के हाथ में पेंसिल मस्ट होनी चाहिए, और जितने भी ब्लैंक्स वगैरह मैं बुक में आप लोगों को लिखवा रही हूँ वो आप लोगों ने साथ साथ अपने बुक के अंदर नोट करने हैं. सही है, क्योंकि ये हमारे पास नोटबुक का काम नहीं है. अब आप लोगों ने पेंसिल उठाना है और क्लीन क्लीन आप लोगों ने लिखना है, नीट नीट लिखना है. सही है. यहाँ पर है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज यानी मश्क. लुक एट द पिक्चर्स. लुक, देखना. पिक्चर्स, तस्वीरों की तरफ. तस्वीरें अब यहाँ पर ये है और ये रही. रिकॉग्नाइज और याद करने की कोशिश करें द नाउन्स, नाउन्स की. एंड राइट देयर नेम्स एंड प्लूरल ऑल्सो. पहले तो आप लोगों ने इनके नेम्स लिखने हैं और फिर इनके प्लूरल क्या होंगे वो साथ में लिखने हैं इसके. सही है कि मतलब हम लोग पहले जो पिक्चर में जो भी चीज़ दी गई है उनका नाम लिखें और फिर इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. तो स्टूडेंट्स चले हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज, व्हाट इज़ दिस स्टूडेंट्स? व्हाट इज़ दिस? शाबाश, याद करने की कोशिश करें. दिस इज़ फ्रॉग.
फ्रॉग. वेरी गुड. ये क्या है? ये है फ्रॉग. आप लोग भी लिखे मेरे साथ एफ. शाबाश स्टूडेंट्स, लिखते जाए मेरे साथ एफ आर ओ जी, फ्रॉग. वेरी गुड. ये देखे, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है फ्रॉग. फ्रॉग. अब यहाँ पर देखे स्टूडेंट्स, द प्लूरल फॉर्म इज, यहाँ पर एरो का निशान दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया फ्रॉग. स्टूडेंट्स आप लोग भी कोशिश करें मेरे साथ, ट्राई करें कि फ्रॉग का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट. वेरी गुड. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखे इस पिक्चर में एक फ्रॉग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉग्स. लिखे शाबाश एफ आर ओ जी एस, फ्रॉग्स. वेरी गुड. ये देखिए फ्रॉग एंड फ्रॉग्स, कौन से वर्ड का इजाफा हो गया, कौन सा वर्ड ऐड हो गया? एस. वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट. लिख लिया आप लोगों ने, व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? दिस इज बेंच. वेरी गुड. जिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिखे स्टूडेंट्स बेंच. बी बी ई एन सी एच, बेंच. वेरी गुड. बी ई एन सी एच, बेंच. वेरी गुड स्टूडेंट. अब यहाँ पर देखिए, वैसे ही द प्लूरल फॉर्म इज डैश, एरो का निशान दिया गया है कि अब हमारे पास जो बेंच का जो प्लूरल है वो क्या होगा. देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में बहुत सारी बेंचेस हैं, मतलब 1 2 3, तो हम ये नहीं कहेंगे कि थ्री बेंच, हम कहेंगे थ्री बेंचेस. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेंचेस. लिखते जाए शाबाश आप लोग मेरे साथ बी ई एन सी एच ई एस. वेरी गुड स्टूडेंट्स. यहाँ पर देखिए आप लोग, अभी यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड का जो हम लोगों ने ऐड किया था ज़्यादा फ्रॉग में, वो था एस. यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट्स? ई एस. जैसा कि हमारे पास इस पिक्चर में था, ये जो दूसरा पेज है, ई एस फॉक्सेस एंड बसेस, यहाँ पर ई एस का इजाफा हो गया. यहाँ पर कौन से वर्ड का? ई एस, बेंचेस. समझ गए स्टूडेंट्स? ओके, कम टू द नेक्स्ट विच इज, व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? काउ. वेरी गुड. यहाँ पर आप लोग लिखे काउ. काउ किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? काउ कहते हैं गाय को. वेरी गुड. काउ काउ लिख लिया स्टूडेंट्स, सी ओ डब्ल्यू काउ. ये हमारे पास एक है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिख लिया? काउ. द प्लूरल फॉर्म इज, यहाँ पर देखें 1 2 3, क्या आएगा स्टूडेंट्स? काउस. लिखे शाबाश काउस, सी ओ डब्ल्यू एस काउस. यहाँ पर किस चीज़ का इजाफा हो गया? एस का, सिर्फ एस का स्टूडेंट्स. देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ई एस का, यहाँ पर एस का. तो यहाँ पर आप लोग अभी पूरे पेज की तरफ देखें स्टूडेंट्स. देखिए ये हम लोगों ने कैसे फिल किया है, फ्रॉग फ्रॉग्स बेंच बेंचेस काउ एंड काउस. सही है स्टूडेंट्स? तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था, ये इतना ही था कि हम लोगों ने पहले सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जो थे वो हम लोगों ने पहचान लिए कि कौन कौन से वर्ड की एडिंग होगी, और फिर हम लोगों ने इस सेकंड जो लेसन है का एक्सरसाइज भी हम लोगों ने बुक के अंदर कर लिया. अब यहाँ पर हमारे पास जो पेज नंबर 15 है, यहाँ पर देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास है लेसन नंबर 3. तो ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और ये वाला जो है ये आप लोग आज अपने घरों में साफ साफ लिखें. सही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. गुड बाय एंड टेक केयर.